गाजियाबाद के थाना लोनी इलाके में बाइक सवार बदमाशों ने एक महिला को गोली मार दी। महिला एक पुरुष के साथ जा रही थी, तभी अचानक से आए एक बाइक पर दो लोगों ने महिला को गोली मार दी और फरार हो गए। महिला को आनंद फानंद में गुरु तेग बहादुर अस्पताल भर्ती कराया गया। अभी तक महिला की पहचान नहीं हो पाई है। हैरानी की बात यह है कि जहां यह गोलीकांड हुआ उस पर ही स्थानीय भारतीय जनता पार्टी के विधायक की पंचायत चल रही थी और तमाम पुलिस फोर्स के साथ प्रशासनिक अधिकारी मौके पर मौजूद थे। बिस्मिल्लाह होटल के सामने एक महिला और एक पुरुष पैदल जा रहे थे। रास्ते में दो लोग बाइक से आए, उसमें बाइक सवार ने महिला को गोली मारी। महिला को तुरंत अस्पताल GTB भेजा गया है चिकित्सा के लिए। बाकी शेष कार्रवाई की जा रही है, हम लोग छानबीन कर रहे हैं। पूरे महिला की कोई पहचान हो पाई है? नहीं, अभी महिला की कोई पहचान नहीं। दो ही लोग थे और उसमें दिखवा रहे हैं क्या है मामला। पूरा मामला प्रकाश में आने के बाद शेष कार्रवाई की जाएगी। कहा है ये पार्टी ने तो हमारे यहाँ ऐसा तो है नहीं कि कार्रवाई नहीं होगी। आज तक ऐसा हुआ नहीं। दर्जनों मामले हैं, दर्जनों अधिकारी हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बगल साहिबाद थाना सस्पेंड किया था एक घटना पे, तो यह अभी पिछले दिनों अधिकारियों के साथ कार्रवाई हुई है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी और प्रदेश नेतृत्व पूरा जीरो टॉलरेंस पे, जनता को भ्रष्टाचार मुक्त शासन मिले, कहीं क्राइम ना हो, उसके लिए हम भी वचनबद्ध हैं। मुझे उम्मीद है जो हमने व्यापारियों से वायदा किया, जो मुझे ऊपर से आश्वासन मिला है, उसके आधार पर कार्रवाई होगी। अब इंतजार करिए। जी वही मैं कहना चाह रहा हूँ कि अगर निष्कर्ष कुछ नहीं निकलता है तो 3 दिन बाद अगला कदम क्या होगा? नहीं।